राम राम। मैं पंडित एस के मिश्र। कन्या के बाद यदि पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो जिन दंपतियों के लिए, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बहुत ही सरलतम प्रयोग देने जा रहा हूँ। इस प्रयोग में किसी तंत्र मंत्र की आवश्यकता नहीं है और यह प्रयोग बहुत ही कारगर है। सर्वप्रथम तो अगर आपकी पुत्रियाँ ज्यादे हैं तो यह आपके लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि पुत्रियाँ जन्म देने का मतलब कि आपने प्राकृतिक कार्यों में अपना सहयोग दिया। हमारे लिए किसी पुत्र में पुत्री में कोई अंतर नहीं है और यह वीडियो बनाने का कदापि यह उद्देश्य भी नहीं है कि पुत्र और पुत्री में कोई अंतर भी किया जाए, मगर फिर भी जो माताएं बहनें जो भाई यह चाहते हैं कि उनकी कन्या संतान तो है और उन्हें पुत्र की प्राप्ति जरूरी है, तो यह उस प्रयोग को करें। क्या करना है आपको, बारीकी से ध्यान से सुने और समझें। उत्पन्न हुई जो कन्या है, जो पुत्री आपको भगवान ने दिया है, जो उत्पन्न हुई है, उसके बाद आप यह चाह रहे हैं या यह चाह रहे हैं कि आपको पुत्र ही प्राप्त हो, तो जो कन्या भगवान ने आपको दिया है उसको विधिवत रूप से आपको पूजन करना है। माता का भाव समझ करके, दुर्गा माता का भाव समझ करके, वैसे हमारे हिंदू शास्त्रों में कन्याओं को दुर्गा माता का रूप ही माना गया है, औरतों को देवी ही माना गया है, फिर भी यहाँ पर ये भाव जरूरी है। किसी भी धर्म के लोग इसको अपनाएं। जो कन्या आपको मिली है उसके बाद पुत्र प्राप्ति के लिए यह प्रयोग करने जा रहे हैं या करने जा रही है, तो उस कन्या को विधिवत रूप से पूजन करें, उसको प्रणाम करें, पैर छू के भावना के साथ ओतप्रोत होकर के माता तुल्य समझ करके, उसके बाद खीर और जलेबी अपने भाई बहनों जो भी आपके अगल बगल के लोग हों उनको खिलाएं, उनको बांट दें। ध्यान से सुन ले, पुत्री का विधिवत पूजन करने के बाद खीर और जलेबी अपने भाइयों में बांधों में अगल बगल के लोगों को भोजन में खिलाएं। अन्य भी चीज़ें आप खिला सकते हैं मगर खीर और जलेबी आवश्यक है। ऐसा करने से भविष्य में आपको पुत्र प्राप्ति का संयोग बन जाता है। भगवान चाहेंगे तो आपकी मनोकामना इसी प्रयोग को करने से पूरी हो जाएगी। मैंने आप भली भांत समझाने का प्रयास किया है, फिर भी अगर आपके जीवन में कुछ इस तरह की समस्याएं हैं तो बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अपना तुरंत खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर, मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करते हुए आवश्यकता पड़ने पर भारतीय विद्याओं के माध्यम से आप लोग का उचित समाधान भी करूँगा। धन्यवाद। राम राम।